नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी ये सारे वीडियोस जो भी मैं शूट करता हूँ, इन वीडियोस में जो भी रीटेक होते हैं, बेसिकली हम जिसे कहते हैं ब्लॉपर्स, तो ये ब्लॉपर्स सारे मैंने इस वीडियो में कंबाइन किए हैं, ताकि ये मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से मैं वीडियो शूट करता हूँ, किस तरीके से रीटेक होते हैं। क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं डायरेक्टली रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो बहुत से बार उसमें ब्लॉपर्स आते हैं, रीटेक्स होते हैं। तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं हर महीने के जितने भी ब्लॉपर्स होते हैं वो हर महीने आपके लिए लेके आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो जानने के लिए देखते रहिए ये मेरा पूरा वीडियो। चलिए AI हो करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक्चुअली हुआ ये दोस्तों कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पर, जो कि था पासपोर्ट के बारे में, जो रूल्स चेंज हुए हैं पासपोर्ट के, जो नए रूल्स अभी आए हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था। तो वहाँ पर उस वीडियो में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये पूछा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से चेंज करनी है उन्हें उनके पासपोर्ट में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी कारण के वजह से आपके पासपोर्ट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो गलत मेंशन की जाती है। तो आज मैं ये आपको वीडियो यही बताने के लिए बना रहा हूँ कि नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पासपोर्ट के अभी बात करते हैं पहले सिनेरियो के बारे में, जो कि है अगर मैरिज के बाद उस वुमन का नाम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, मतलब ऑफिशियली चेंज हो चुका है। ऑफिशियली मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास वैलिड बर्थ सॉरी मैरिज शिट ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पासपोर्ट के लिए, ये टोटली ऑफलाइन नहीं है, ये हाफ ऑफलाइन और हाफ ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके अंदर मैं आपको ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि जब आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, जब फ्रेश पासपोर्ट आपने बनवाया था, उस वक्त किसी कारण के वजह से आपके पासपोर्ट में जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो गलत मेंशन हो गई है, या फिर जो आपने आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपने आपका बर्थ प्रूफ दिया था उसमें ही आपकी डेट ऑफ प्लेस जो सॉरी जो बर्थ शिट साल कंट्री के बाहर रहे हैं, मगर समझ अगर